धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण है, अब हिंदू जग चुका है। राजनीति में कोई किसी पर वार करे तो पलटवार आने में देर नहीं लगती। इस बार ताजा वार किया है अखिलेश के एक विधायक ने और पलटवार आया है महंत राजू दास की तरफ से। हनुमानगढ़ी के महंत तो सपा विधायक पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अखिलेश के नेता को सुनाते हुए बहुत बड़ी बात कह दी। बिजनौर सपा विधायक महबूब अली के द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को इस प्रकार से धमकी देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अब हिंदू जग चुका है। तुमको सहयोग किया और तुमको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं, फिर भी ऐसी मानसिकता, ओछी मानसिकता कि अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, ऐसी मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त सपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। महंत राजू दास ने सपा MLA महबूब अली के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने महबूब अली पर न सिर्फ FIR दर्ज करने की मांग कर दी बल्कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठा दी। हालांकि इस दौरान महंत राजू दास सपा विधायक पर भड़कते भड़कते खुद भी कुछ विवादित बोल गए। उन्होंने कहा, हम आपको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं, फिर भी ऐसी ऊंची मानसिकता। चलिए आपको सुनवाते हैं अमरोहा विधायक महबूब अली ने बिजनौर में जो विवादित बयान दिया वो क्या था। राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, एकांत तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। दरअसल महबूब अली ने बिजनौर में BJP की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और तुम्हारा राज खत्म हो गया। सपा विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। फिलहाल महबूब अली के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। न सिर्फ साधु संत बल्कि BJP नेता भी इसकी निंदा कर रहे हैं। चुनावी माहौल में सपा इससे अपना बचाव कैसे करेगी वो देखने वाली बात है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।